बना रहे हैं स्पेशल दाल चावल ढाबा स्टाइल में। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो मूंग मसूर की दाल। ये दोनों दालें पाव पाव के हिसाब से हैं, पाव मूंग की दाल, पाव मसूर की दाल, और इन्हें 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया गया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा ऑयल। ये 2 टमाटर हैं जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया है इस तरह से। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे ऑमलेट स्टाइल में मैंने चॉप कर लिया है। ये 1 टेबल स्पून है लहसुन अदरक पिसा हुआ। उसके बाद ये खुश्क मसाले हैं जिसमें है सूखा धनिया, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें लाल, एक छोटा टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून जो है वो नमक है। वैसे नमक आप लोग अपने घर के जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए अब हम कुकिंग जो है वो शुरू करते हैं। ये तकरीबन 1/2 कप प्याली ऑयल मैंने डाला है इसके अंदर। अब इसमें सबसे पहले मैंने जो एक दरमियानी साइज की प्याज ली थी जिसको ऑमलेट स्टाइल में बारीक चॉप कर लिया था वो डालेंगे, और इसे थोड़ा सा हमने सौते करना है। इसका हमने कलर नहीं चेंज होने देना। ये मूंग मसूर की दाल बिल्कुल उसी अंदाज़ में बनेगी जिस तरह के व्यूवर्स हम जानते हैं, हम बाहर बाज़ार में मुख्तलिफ रेहड़ियों पे देखते हैं स्पेशल दाल चावल बनते हुए, और उनका एक ख़ास तरीका होता है बना हुआ। उस दाल को उसी तरीके से आज जो है मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। इस दाल के लिए आप लोग हैरान तो होंगे, लेकिन मूंग मसूर की दाल है ये तो वैसे ही बहुत आसानी से गल जाती है, लेकिन उस मुकम्मल दाल की शक्ल देने के लिए इसके अंदर हम प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल करेंगे। और मैं आज आपको टेक्निक बताऊंगी कि मूंग मसूर की दाल बगैर उसको ख़राब किए हम प्रेशर कुकर में थोड़ी सी देर में कैसे कुक कर सकते हैं, जिससे उसका टेक्सचर भी ना बदले, शक्ल भी उसकी ख़राब ना हो, बिल्कुल वो गल के बिल्कुल बैठ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, कि कोई खाना ही पसंद ना करे। देखें प्याज़ों का रंग थोड़ा सा तब्दील होना शुरू हो गया है। डन हो गए हैं, इनका रंग भी नहीं बदला, ये ट्रांसपेरेंट है। और अब इसके अंदर हम अपने बाकी मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा इसको हम भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर ही सूखे मसाले जाएंगे जो मैंने पहले भी आपको बताए थे, जो चीज़ें थी नमक है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1.5 टीस्पून जो है वो लहसुन पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मसाले ऑयल या घी में डालने के बाद जल ना जाए, इसलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, ये हो गया। अब ये 2 टमाटर थे दरमियानी साइज़ के जिनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, ये हमने इसमें डाल दिए। अब
टमाटर डालकर हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे और फिर हम मिलते हैं ज़रा जिस वक्त भुनने का वक्त करीब आएगा। अभी आप लोगों के सामने में इस वक्त कम से कम ये 2 कप पानी है, बल्कि 2 से ज़्यादा ही जाएगा। ये 3 कप पानी है जो आम हमारे यहाँ कप होते हैं ये, और अब ये उबलेगा और मैं इसको कुकर में शिफ्ट कर दूंगी, और बाकी जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी हैं आपने भी उसी को फॉलो करना है। ये देखें मसाला हमारा भुन गया है। जिस वक्त मसाले का ऑयल या ये इस तरीके से तेल ऊपर आ जाए तो ये निशानी होती है कि आपका मसाला जो है वो भुन चुका है। आप लोग चाहें, मेरे पास तो इस वक्त नहीं है, इस मौके पर आप 1 टीस्पून यहाँ पर चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड का, या फिर आप कनौर की जो क्यूब होती है वो भी आप इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी दाल का जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर ना हो घर में कोई चिकन की यखनी वगैरह तैयार करके आप लोगों ने रखी हुई हो तो आप उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा दाल के साथ इस मसाले को भून लेते हैं, और उसके बाद मैं इस दाल को इस प्रेशर कुकर के अंदर शिफ्ट कर दूंगी, और इसे मैंने सिर्फ जो है वो 2 मिनट इस कुकर को चलाना है। 2 मिनट से मुराद ये है व्यूवर्स के जिस वक्त आपकी इसके ऊपर जो वेट है वो चलना शुरू हो तो आपने 2 मिनट का टाइम जो है वो काउंट करना है, उससे पहले नहीं। कि आप जब ढक्कन बंद कर दें ऊपर उसके वेट रख दें और फिर आप कहें कि जनाब 2 मिनट हो गए, इस तरह नहीं। ये इसके अंदर ज़ाहिर है ये बर्तन गर्म होगा, अंदर दाल जो है वो हीटअप होगी, उसे बॉयल आएगा, उसके बाद वेट चलना शुरू होगी। तो जब वेट चलना शुरू हो तब आपने 1 से 2 मिनट जो है सिर्फ टाइम देना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना, वरना आपकी दाल फिर जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि घरों में इतना टाइम नहीं होता कि अब दाल की जो है वो हम घुटाई करें या उसको इस तरीके से बारीक करें। ये प्रेशर कुकर बहुत ही एक आसान तरीका है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस तरह देखिए कि अंदर ये दाल तैयार की है, वरना मेरा पहले इरादा यही था कि मैं डायरेक्ट प्रेशर कुकर के अंदर ही इस तरकीब को जो है वो शुरू करूँ, लेकिन चूँकि वो प्रेशर कुकर थोड़ा ऊँचा भी है तो फिर वीडियो लोगों को क्लियर नज़र नहीं आती, इसलिए मैंने पहले खुले देखचे के अंदर इसको बनाया है। अब मैं इसको कुकर में शिफ्ट कर दूँगी, और जितना मैंने आपको टाइम बताया है वेट जब चलना शुरू होगी तो 1 से 2 मिनट के बाद मैं बंद कर दूँगी, और फिर जो उसकी लुक होगी तब फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, अब प्रेशर कुकर जो है वो चलना शुरू हो गया है। ये जब से रखा हुआ था अब इस वेट ने हिलना शुरू किया, और अब मैं ये टाइम काउंट करूंगी कि मैंने इसको 1.5 से 2 मिनट चलाना है। वैसे इसे अभी सिर्फ जो है वो 0.5 मिनट हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दाल का दाना भी ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से बैठ के हलवा दाल नहीं हो गई है, इसके दानों का जो है वो पता चल रहा है, और साथ ही ये उस तरह खड़ी खड़ी दाल नहीं है जैसे कि मूंग मसूर की होती है। अब अगर आप इस मरहले पर चाहें तो इसे अगर अपने घर के टेस्ट के मुताबिक या जैसे घर वाले पसंद करते हैं, अगर आप इसको थोड़ा पतला करना चाहते हैं थोड़ा चावलों के हिसाब से तो कर लें, वरना जो बाजारी दाल का टेक्स्चर होता है वो तो ऐसे ही गाढ़ा गाढ़ा होता है इस तरीके से। ये देखिए आप, ये बिल्कुल ढली नहीं है दाल, और इसका जो है वो दाना बिल्कुल ठीक है, और ये खाने में मज़ा भी देगी, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। ये वाली हमें बिल्कुल फॉर्म जो थी इस दाल की वो चाहिए थी, जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी। तो बजाय ब्लेंड करने के हैंड ब्लेंडर से या जग में, वो बिल्कुल हलीम सा तैयार हो जाता है। कुकर के अंदर अगर हम सही टाइमिंग के साथ कर लें तो हमें बिल्कुल ये बाजारी स्टाइल की जो शक्ल है
वो हमें मिल जाती है। अब हम इसका जो है वो बघार तैयार करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह इसका जो है वो तड़का लगाना है। ये कम से कम आधी प्याली मैंने ऑयल इस्तेमाल किया था दाल में, शुरू में आपको याद होगा जब मसाला भुना था, और ये तकरीबन आधी प्याली मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ तड़के के लिए, क्योंकि दालों को अगर घी का तड़का लगाया जाए तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है ऑयल की निस्बत। तो ये तकरीबन आधी प्याली जो है ये घी मैंने ले लिया है। इस तरीके से तड़के वाले स्टाइल में मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तकरीबन एक टीस्पून के बराबर जो है ये हाफ़ टी स्पून, फुल नहीं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इसमें थोड़ी चार मैंने साबुत लाल मिर्ची ऐड कर दी हैं। मेरे पास फ्रीज किया हुआ कड़ी पत्ता है, वो मैं इसमें डालूंगी। बस अब हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ करेंगे। जो मैंने यहाँ पे करनी है कि ये हाफ टी स्पून जो लाल मिर्च पाउडर है ये मैंने इसके अंदर डाला है, और साथ ही इसके हाफ टी स्पून ही गरम मसाला। अब ये हमारा भगार तैयार है और हम इसे ये जो है तड़का दाल को लग गया है, और अब ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। अब जिस वक्त हम इसे डिश आउट करेंगे उस वक्त इसमें हरी मिर्चें काट के और धनिया वगैरह की गार्निश करेंगे, और टेबल पर हम जो है इसको खाने के लिए पेश करेंगे। और अब हम अपना जो है वो तड़के वाले चावल इसके साथ तैयार करेंगे। जो ढाबा स्टाइल दाल और चावल जो है तड़के वाले वो तैयार हो गए हैं। आप इन्हें चावलों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ये घर की चपातियां हैं इनके साथ, साथ में कचूमर सैलड बना लें और ये बहुत अच्छा मील जो है ये तैयार हो जाता है। ये आज की पहली मेरी तरफ से रेसिपी थी। अपनी रेसिपी अच्छी लगे आप इसे ट्राई करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जो बटन है उसे क्लिक करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो भी मेरी आइंदा आने वाली रेसिपीज़ होंगी उसकी अपडेट मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।